शब्दों से मिलकर के बना है, एड है, एडिटम, और वर्ब जो है ये लैटिन वर्ड है वर्बो। एडिटम का मतलब होता है टू एड, जोड़ना, ऐड करना, और वर्बम कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सबसे महत्वपूर्ण शब्द। लेटिन ग्रामेरियन ने ये देखा कि दुनिया की आप कोई भी भाषा ले लो, उसमें किसी भी सेंटेंस में अगर होगा तो वर्ब जरूर होगा, सब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जहां तक ऑब्जेक्ट की बात है ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब एक अनिवार्य शब्द होता है। इसके बगैर दुनिया का कोई भी शब्द बन ही नहीं सकता है, कोई भी वाक्य बन नहीं सकता है। तो एडवर्ब को अगर कहा जाए सीधे तो एडिटम टू वर्बम है, एडिटम टू वर्बम, यानी कि वर्ब में जो भी जुड़ेगा वही क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। लेकिन एडवर्ब का काम केवल इतना ही नहीं होता है। एडवर्ब अगर देखा जाए तो एडवर्ब ये मॉडिफायर है, ये मॉडिफिकेशन का काम करता है, और किसको किसको जो है मॉडिफाई करेगा। तो एडवर्ब जो है वो तीन चीजों को मॉडिफाई करता है। पहला काम इसका होता है वर्ब को मॉडिफाई करना, और दूसरा काम होता है किसी एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई करेगा, और चौथा ये है कि ये किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। एडवर्ब मॉडिफायर और एडजेक्टिव क्वालिफायर होता है। एडजेक्टिव केवल नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, जबकि एडवर्ब वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब, और कभी कभी समटाइम्स इट मॉडिफाइज होल सेंटेंस, कभी कभी ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी एडवर्ब किसी सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा तो वाक्य के सबसे पहले आएगा। जैसे सेंटेंस अगर हमें ले कि सर्टेनली ये विल पास, सर्टेनली ये विल पास, निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे, तो सर्टेनली एक ऐसा शब्द है जो किसी पर्टिकुलर वर्ड को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ना तो अकेले यू या विल या पास, बल्कि सेंटेंस शुड बी टेकन टुगेदर। तो यू विल पास ये क्या है, सर्टेनली निश्चित रूप से आप जो है पास हो जाओगे, तो सर्टेनली पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, किसी अकेले शब्द को नहीं। जहाँ तक वर्ब की बात है, इसको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर देखा जाए कि राइट्स, इसमें अगर देखा जाए तो राइट्स वर्ब है, वर्ब में कुछ और मॉडिफिकेशन अगर किया जाए, ये राइट्स मी ट्री, वो बहुत सफाई से दिखता है, मतलब
बड़े नीट और क्लीन अंदाज में लिखता है, स्पष्ट लिखता है, तो इसमें राइट्स जो है ये वर्ब है, वर्ब में कुछ और ऐड किया गया है, कैसा लिखता है, नीटली, बड़ी सफाई से लिखता है, तो ये नीटली किसको जो है वो मॉडिफाई करने लगा, बोलते भी रहिए वर्ब को। तो ये पहली शर्त पूरी हो गई कि एडवर्ब जो है वह वर्ब को मॉडिफाई करता है। दूसरा सेंटेंस अगर लिया जाए, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल क्या है, उधर से आवाज नहीं आ रही, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कुछ और शब्द अगर जोड़ दिए जाए, जैसे कि हमने जोड़ दिया वेरी, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, हाँ ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है, वो सुंदर है और कितनी सुंदर है तो पता ये चला कि बहुत सुंदर है, यानी कि वेरी जो है ये मॉडिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल जो कि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कुछ और मॉडिफिकेशन का काम करने वाला शब्द मिला, क्या, वेरी, तो वेरी क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, राइट right? और इसमें नीटली क्या है, एडवर्ब है, और ये एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, राइट्स को, यानी कि वर्ब को। दूसरे सेंटेंस में सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये वेरी किसको मॉडिफाई करने लगा, एडजेक्टिव को, तो जो शब्द एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा, यानी कि वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। अब जरा तीसरा सेंटेंस लेते हैं, पहले सेंटेंस में ही कुछ और कर लिया जाए कि ही राइट्स, वह लिखता है नीटली। अब इसमें एक और शब्द हमने जोड़ दिया, क्या, सी राइट्स वेरी नीटली, वो बहुत ही साफ लिखता है, तो इसमें वेरी राइट्स को नहीं मॉडिफाई कर रहा है बल्कि किसको, हाउ नीटली डज ही राइट, तो पता चला कि वेरी नीटली, तो वेरी जो है वो एडवर्ब है और नीटली भी एडवर्ब है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि एडवर्ब कभी कभी एडवर्ब को ही मॉडिफाई करता है। उससे एक बार देख लें, एडवर्ब वास्तव में इसकी मीनिंग होती है एडिटम टू वर्बम, यानी वर्ब में जो कुछ भी ऐड किया जाएगा, जो कुछ भी जुड़ेगा वही एडवर्ब होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या एडवर्ब केवल वर्ब को ही मॉडिफाई करता है, तो नहीं, ये देखा गया कि एडवर्ब जो है वो मॉडिफिकेशन का काम करता है, वो चार चीजों को मॉडिफाई करता है, पहली कंडीशन में वर्ब को, दूसरे में एडजेक्टिव को, और तीसरे में क्या, किसी अनदर एडवर्ब को, और कभी कभी ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। अगर बात क्लियर हो गई हो या किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, और इसको नोट कर ले, फिर इसके बाद जो है एडवर्ब के काइंड्स की चर्चा की जाएगी। युवाकर की बात समझ में आया, नोट कर लें तो फिर आगे की चर्चा हो। जैसे ही आप नोट करने हैं तुरंत बता दीजिएगा, या फिर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा।
हाँ जी बोले, हाँ जी हेलो, अब इसके लिए बाबू जरा देखो यहाँ के, हाँ देखो यहाँ कैसे क्या चल रहा है, पता नहीं क्या बता रहे हैं सर। पीछे पलट रो दरअसल वो थोड़ा सा कमरा बड़ा है, उसमें अलमारी निकाली गई है, मकान नहीं बन रहा है। कभी कभी रिफ्लेक्ट क्यों अब मिटा दें, आगे बढ़े। हाँ जी आवाज साफ सही है, मैं बाहर ले जाकर मोबाइल लगा बाहर कहा। अब एडवर्ब के काइंड्स की चर्चा कर ली जाए तो मालूम है आप लोगों को एडवर्ब कितने तरह की होती है। जवाब भी अगर मुझे मिलेगा तो मुझे बोलने में और ज्यादा सुविधा रहेगी। एडवर्ब कितने तरह की होती है, डन नेटवर्क यहाँ पर एकदम डिस्टर्ब हो गया, अभी ठीक चल रहा था, अब क्या बनी हुई इसकी तेरा कैसे। मैं वीडियो जो है वो अभी अपलोड कर दूंगा, आप लोग चिंता मत करो। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, तो एडवर्ब अगर देखा जाए तो तीन तरह की होती है। सिंपल, और दूसरी होती है रिलेटिव, और तीसरी एडवर्ब होती है इंटरोगेटिव। कुछ लोग ये कहते हैं कि एडवर्ब जो है वो आठ तरह की होती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब केवल और केवल तीन तरह की होती है, सिंपल, रिलेटिव और एडवर्ब। जो आठ तरह के एडवर्ब लोग बताते हैं, वास्तव में ये सिंपल एडवर्ब होती है एट टाइप्स की। कितनी? एट टाइप्स। बाकी एडवर्ब के अगर काइंड की चर्चा की जाए तो एडवर्ब केवल और केवल तीन ही तरह की होती है, रिलेटिव, इंटरोगेटिव और सिंपल। सिंपल एडवर्ब आठ तरह की होती है, आठ प्रकार की होती है। रिलेटिव और इंटरोगेटिव वास्तव में ये दोनों एक ही होती है, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। और इंटरोगेटिव एडवर्ब भी वही होती है कि व्हेन, Where, why और how। अब सवाल ये है
ये रिलेटिव और इंटरोगेटिव जब एक ही होती हैं तो इनके दो नाम क्यों रखे गए हैं? तो जब ये दो क्लास को रिलेट करेंगे तो इसमें ये देख लीजिएगा कि रिलेटिव एडवर्ब ऑलवेज joins two sentences in formation of noun और एडजेक्टिव क्लास, जिसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए कि आई नो दैट आई नो व्हेन ही केम, व्हेन ही केम, मैं जानता हूं कि वह कब आया, तो इसमें व्हेन जो है रिलेटिव एडवर्ब है और ये नाउन क्लास बना रही है। नाउन क्लास में इसका प्रयोग हुआ। एक सेंटेंस और ले हम कि टेल मी हाउ यू डू इट, मुझे जरा ये बताओ कि ये कैसे करते हो, तो हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर है और ये भी क्या बनाई, नाउन क्लास। तीसरा सेंटेंस अगर में कि आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, मैं वो जगह जानता हूं जहां वह रहता है, तो वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये किसको जो है आप इसको रिलेट कर रही है नाउन प्लेस को, इसलिए ये क्या हो गई एडजेक्टिव क्लास। तो ये पता चला कि एडजेक्टिव क्लास की रचना में या फिर नाउन क्लास की रचना में रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग होता है, और इंटरोगेटिव एडवर्ब जब इन्हीं शब्दों से कोई प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो वो इंटरोगेटिव एडवर्ब बन जाएगी। बता दें इसको, सेंटेंस जरा ये ले, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम, आप कब आए, तो निश्चित रूप से व्हेन से क्या प्रश्न किया गया, When did you come, तो ये interrogative हो गई। दूसरा सेंटेंस where do you go every day, रोज आप कहाँ जाते हो, तो where से जो है वो question पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर where क्या है, interrogative adverb है। दूसरा why Did you abuse him? Why did you abuse him? तो why क्या है, इससे question पूछा गया। और where he lives? Where? एक तो हो गया है, तो ये बताइए चला कि जब भी इन शब्दों से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो इंटरोगेटिव एडवर्ब बनेगी, और जब व्हेन वेयर व्हाई और हाउ से हम नाउन या एडजेक्टिव क्लास की रचना करेंगे तो ये दो क्लास को रिलेट करेंगे, तब क्या कहलाएंगी, रिलेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। ठीक है भैया, इतनी बात नोट कर ले, फिर आगे
अ प्लेस ऑफ एडवर्ब प्लेस न कह करके ये कहना चाहिए कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब मित्रों एडवर्ब की किसी भी वाक्य में केवल तीन ही पोजीशन होती है और इसके अलावा और कोई चौथी पोजीशन नहीं होती है। कोई भी एडवर्ब या तो वो आगे आएगी यानी थर्ड पोजीशन पर होगी फ्रंट पोजीशन, दूसरी होती है इसकी मिड पोजीशन, या तो ये सेंटेंस के बीच में आएगी या फिर एंड पोजीशन, या किसी भी सेंटेंस के आखिर में आएगी, बाकी और कहीं एडवर्ब के लिए किसी वाक्य में कोई जगह नहीं होती है, या तो ये आगे आएगी या वाक्य के बीच में आएगी या फिर सेंटेंस के लास्ट में आएगी। अब एग्जाम्पल लेकर के इसको हम क्लियर करें। मान लीजिए कि एक शब्द हम लेते हैं ओनली, ओनली एडवर्ब है तो और कैसे एडवर्ब है, जैसे वन है, वन एडजेक्टिव है और इसमें जो है एल वाई जोड़ा गया तो क्या बन गया ये ओनली। ओनली शब्द को जो कि एडवर्ब है हम वाक्य में तीन पोजीशन पर रखते हैं और देखते हैं कि अंतर क्या होता है। जैसे ओनली ही रीड्स, ओनली ही रीड्स केवल वही पढ़ता है, ओनली ही रीड्स मतलब है कि और कोई नहीं है, यानी उसके अलावा और कोई नहीं पढ़ता है, केवल वही पढ़ता है। तो ओनली को अपने फ्रंट पोजीशन पर रखा। दूसरा अगर हम देखें ही रीड्स ओनली, He only reads. Only को आपने मिड पोजिशन पर रखा लेकिन अर्थ में परिवर्तन हुआ। He only reads का मतलब ये कि वह केवल पढ़ता है, मतलब ये कि वह पढ़ना जानता है लिखना नहीं जानता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि does know how to read. He does know how to read, but does not know how to write. दूसरा सेंटेंस ये अर्थ दे रहा है कि only reads का मतलब कि वह केवल पढ़ता है अर्थात वो लिखना नहीं जानता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी एडवर्ब की आप पोजीशन चेंज करते हैं तो साइमल्टेनियसली सेंटेंस का सेंस भी बदलता चला जाता है। अब ओनली को एंड पोजीशन में रख करके देखे जाए तो ही रीड्स ओनली, ही रीड्स ओनली एंड पोजीशन पर आ गई और अर्थ में परिवर्तन हुआ। सेंस ये निकल रहा है कि ही डज नथिंग बट रीड ओनली, मतलब ही डज नथिंग, ही डज नथिंग एक्सेप्ट रीडिंग, और पढ़ने के अलावा और कोई काम नहीं करता। फिर से एक बार देख लें एडवर्ब के पोजीशन की बात की जाए तो एडवर्ब की केवल तीन पोजीशन होती है किसी भी वाक्य में। एडवर्ब केवल तीन ही जगह पर आ सकती है, या तो फ्रंट पोजीशन होगी उसकी, या मिड पोजीशन होगी, या फिर एंड पोजीशन होगी। और जब भी एडवर्ब की आप पोजीशन चेंज करेंगे तो साथ ही साथ
वाक्य का मतलब भी बदलता चला जाता है, इसीलिए एडवर्ब के प्रयोग में बड़ी सावधानी की जरूरत होती है। जैसे ओनली को आपने वाक्य के फ्रंट पर रखा, यानी सबसे पहले, ओनली ही रीड्स, ये अर्थ दे रहा है कि केवल वही पढ़ता है। मान लीजिए ढेर सारे लोग हो और ये कहा जाए कि ओनली ही रीड्स, तो अर्थ ये होगा कि केवल और केवल वही पढ़ता है, बाकी और कोई नहीं पढ़ता है। दूसरे में ही ओनली रीड्स, वह केवल पढ़ता है, ये ओनली रीड्स, वह केवल पढ़ता है, कहने का मतलब कि वो पढ़ना तो जानता है अर्थात लिखना नहीं जानता है। और ही रीड्स ओनली, वह केवल और केवल पढ़ता है, अर्थ ये निकल रहा है, भाव ये निकल रहा है कि वह करने के नाम पर केवल और केवल पढ़ाई करता है, बाकी और कुछ नहीं करता है। तो ये हो गई आपके एडवर्ब की पोजीशन। तो एडवर्ब तीन चीजों को मॉडिफाई करती है, पहली बात तो जो है वर्ब को, दूसरा एडजेक्टिव को, और तीसरा एडवर्ब को। कभी कभी ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करती है। और एडवर्ब तीन तरह की होती है, एक तो सिंपल एडवर्ब, दूसरा रिलेटिव और तीसरा इंटरोगेटिव। सिंपल एडवर्ब आठ तरह की होती है, जिसमें टाइम है, प्लेस है, रीजन है, कंडीशन है, जिसकी चर्चा बाद में होगी। रिलेटिव एडवर्ब दो क्लास, रिलेटिव एडवर्ब चार की होती है, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। इनका प्रयोग केवल हम नाउन क्लास या एडजेक्टिव क्लास बनाने में करते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। और जब व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ से प्रश्न पूछा जाता है तो ये क्या बन जाती है, इंटरोगेटिव एडवर्ब। जहां तक एडवर्ब के पोजीशन की बात है तो केवल और केवल तीन पोजीशन होती है, फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन और एंड पोजीशन। अब हम लोग क्लास की चर्चा करते हैं, नोट कर लिए हो तो इसको मिटा दें। तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब को भी मिटाया जाए और एडवर्ब क्लास ऑफ दिखाया जाए। तो पहला है एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। यानी वो शब्द समूह जो किसी समय की ओर इशारा करता हो उसको जो है हम एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि इज इंट्रोड्यूस्ड विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। With subordinating conjunction, कौन कौन से रहते हैं, होते हैं when, whenever, और while, after, before, since, while, after, before, since, ये शब्द अगर देखे जाए तो these words indicate time.
These words imparts the sense of time. इन शब्दों से हमें समय का पता चलता है, जैसे व्हेन एवर, जब कभी भी, यानी जब कभी भी, ये समय की ओर इशारा करता है, वाइल जबकि ये भी समय की ओर, आफ्टर समय किसी समय के बाद, बिफोर ये भी समय को इंगित कर रहा है, पहले सिंस से, यानी कि समय से। तो इन शब्दों के प्रयोग से ही हमें समय की ओर संकेत मिलता है। अब एग्जांपल से दो, आई विल डू इट व्हेन आई थिंक फिट, आई विल डू इट व्हेन आई थिंक फिट, जब मैं इसे उचित समझूंगा तब करूंगा। तो व्हेन ये समय की ओर इशारा कर रहा है, मैं तब करूंगा, यानी उस वक्त करूंगा जब मैं इसे उपयुक्त समझूंगा। दूसरा, व्हेन यू हैड डन द वर्क, when you had done the work you may go, जब आप अपना काम समाप्त कर लिए थे, have की जगह पर जो है ये have कर लो। when you have done your work you can go to an adverbial of time, कौन सा शब्द शो कर रहा है कि when you have done the work, यहाँ से क्या है ये adverb class, और चूंकि when time को indicate कर रहा है इसलिए adverb class of time। दूसरा है after the law had been passed, after the law had been passed, this form of crime ceased, this sort of crime seized, इस कानून के पास होने के बाद किस किस्म के अपराध रुक गए। तो आफ्टर शो कर रहा है क्या टाइम को, तो आफ्टर द लॉ हैड बीन पास्ड, यहां तक क्या है आपकी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, इसलिए कि आफ्टर जो है ये एडवर्बियल ऑफ टाइम। अगर और भी सेंटेंस में, जस्ट एज ही एंटर्ड द रूम, जस्ट एज ही एंटर्ड द रूम, दे आर स्टूड अप, और जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, जस्ट एज यानी जिस वक्त, ज्यों ही, जैसे ही, तो जस्ट एज इंडिकेट क्या कर रहा है टाइम को, एडवर्बियल ऑफ टाइम है। तो जस्ट एज ही एंटर्ड द रूम, यहाँ से क्या बन गई आपकी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। नोट करें फिर इसके बाद आगे, ज़्यादा मेरे की जगह तो भागी।